Hello guys, before starting this vlog I want to inform you that there will be some changes in my YouTube channel. वो चेंज क्या होने वाला है वो मैं वीडियो के एंड पे बताता हूँ, तब तक पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक महीना बाद व्लॉग आ रहा है, तो एंजॉय। तो आज का व्लॉग होने वाला है रासलीला को लेकर, नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली त्रिपुरा में रासलीला इतने अच्छे से, इतने धूमधाम से माना जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। तो आज एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि रासलीला कैसे क्या होता है, त्रिपुरा में कहाँ होता है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ जानेंगे। पहले आप वीडियो देखो, अंत में मैं टाइमिंग, लोकेशन सब कुछ बता दूंगा। सो आई एम सिटिंग हियर इन कमलपुर वेटिंग फॉर माय कजिन्स। वो लोग अभी आते ही होंगे, आएंगे फिर जाएंगे रासलीला देखने के लिए। मैं बहुत ही So we have reached our destination, that is situated in Baralotma, that is near Halali, and it's the biggest Raslila here in Tripura. You can see it. Finally! Why you want like this? Oh, bye! स्पीड बढ़ चुका है। ऊपर चढ़ते वक्त कुछ नहीं होता, लेकिन नीचे नमते वक्त ओ भाई, वन मोर। खत्म हो चुका है, हम एक एक करके नीचे उतरेंगे। लेट्स जंप फ्रॉम हियर। इसके मालिक मुझे मारेंगे, मैं 7 से 8 बार वंस मोर बोल चुका हूँ। दिस इज द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्प्रिंग रोल, कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से। यह है मौत का कुआं, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। Now we are on the top. तो मैं यहाँ कभी शोर से दूर आ चुका हूँ और यह अगला जो काम बचा है वो है रासलीला देखने के लिए। मैं रासलीला देखने के लिए आया था और यार एंटरटेनमेंट में बहुत ही टाइम वेस्ट हो चुका है और अभी जाएंगे रासलीला देखेंगे।
Most craziest and the most crowded festival I have ever visited in Tripura. तो कुछ tips की अगर मैं बात करूँ तो timing अब 12 बजे से शुरू होता है वो dance. जो पहले आपने देखा ना वो dance मणिपुरी dance वो 12 बजे से शुरू होता है. मतलब आप समझ सकते हो आप लोग अगर 6-7 बजे वहाँ पर पहुँच गए तो फिर इतना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. तो आप मेक श्योर कि आप 10 से 11 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाए और 1 बजे से आई थिंक वो डांस शुरू हो जाएगा. Another thing that is there are 3 temples. वहाँ पर 3 temple है. पहले temple पे जो video मैं shoot किया था वो पहले temple का था और मैं जब निकला पहले temple से वो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि दूसरे temple पे छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण साज के नाच रहे थे. मैं जब निकला तभी मुझे पता चला और तीसरे temple पे क्या चल रहा था मुझे अभी तक कुछ नहीं पता. फर्स्ट टाइम था इसलिए ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहा हूँ. लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बरलुत्मा जाए रासलीला के समय और लेट नाइट जाए जैसे कि 10-11 बजे तक पहुँच जाए वहाँ पर और सब टेंपल को देखें. जैसे कि तीन टेंपल होता है यहाँ पर बेसिकली. तो पहले में जाए दूसरे में जाए तीसरे में जाए जाके जहाँ पर आपको राधा कृष्ण जी नज़र आ जाए वहाँ पर जाके बैठ जाइए. बहुत ही लंबा जो चेंज का मैं बात कर रहा था अपने चैनल का वो ये है कि दिस इज़ गोइंग टू माई लास्ट हिंदी व्लॉग वीडियो. मतलब आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो बंगला में आएंगे. देयर आर सेवरल रीज़न बिहाइंड दिस. क्योंकि मैं जो व्लॉग्स बनाता हूँ वो मेरे माँ मेरे मौसी जितने भी रिलेटिव्स हैं उन शेयर करते हैं और वो यही पूछते रहते हैं कि ये क्या व्लॉग बने हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है. तो मैंने ये सोचा है कि बहुत सारी फैमिलीज है जो व्लॉग देखते हैं तो उनको अगर लैंग्वेज ही समझ नहीं आया तो कैसा होगा. And there are more several reasons. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगले जितने भी vlogs आएंगे वो सब बंगला में आएंगे. This is going to be my last Hindi vlog video. That's all. मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अवतार में बंगला लैंग्वेज में.